किसके सर सजेगा पंजाब का ताज? सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ का कर दिया आगाज। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 186 नशिस्तें दरकार। नून लीग 137 अरकान के साथ बड़ी सियासी जमात। आजाद अरकान की तादाद 138 तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी 10 और काफ लीग के अरकान की तादाद 8। जो आजाद उम्मीदवार साथ मिलाएगा वही हुकूमत बनाएगा। मुल्तान से गिलानी खानदान की जीती गई 2 सीटें चैलेंज। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी की जीत चैलेंज। मेहरबान कुरैशी ने भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। PP 222 से नून लीग के उम्मीदवार राना ताहिर शबीर ने भी दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दे दी। खुशाब के कौमी हल्का NA 88 का रिजल्ट रोक दिया गया। 15 फरवरी को 33 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म। 33 पोलिंग स्टेशन पर कुल वोटर की तादाद 33,832 है। 8 फरवरी को सैकड़ों अफराद की जानिब CRO ऑफिस पर धावा बोलने के बाद पोलिंग बंद कर दी गई थी। आम इंतखाबात के नतायज मुकम्मल। मुल्तान से बड़े सियासी नाम अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम। साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ असम्बली ना पहुंच पाए। साबिक विफाकी वजीर जावेद अली शाह भी कौमी असम्बली के मेंबर ना बन सके। अब्दुल गफ्फार डोगर, जावेद अख्तर अंसारी, राना महमूद उल हसन भी शिकस्त से दो चार। भकर में इलेक्शन के बाद सियासी डेरों पर रौनकें। ढोल की थाप पर कारकुनों के भंगड़े। मिठाई तकसीम, वोटर्स, सपोर्टर्स और कारकुन फूलों की पत्तियां निशावर करने लगे। उम्मीदवार कामयाबी पर आवाम के मशकूर। बहावलपुर में डाकू बेलगा। मजामत पर 60 साल खातून कत्ल। खैरपुर टामेवाली और चनेकोट में वारदातें। डाकू घरों में घुसकर लूटमार करने लगे। शहरी नकदी और कीमती सामान से महरूम। शहर आलिया में सस्ता बाजार भी महंगाई की जद में। दुकानदार और सार्फिन परेशान। बाजार भी हो गया वीरान। सार्फिन का कहना है आम मार्केट और सस्ते बाजार के निर्खों में कोई फर्क नहीं। दुकानदारों का कहना है माल महंगा मिलता है, कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। रेलवे फाटक बंद। सरगोदा के शहरी अजियत से दो चार। म्यूनसिपल कारपोरेशन ने जिम्मा रेलवे के करोड़ों रुपए वाजिब अदा। अदम अदायगी की वजह से फाटक बंद कर दिए गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक फाटक नंबर 76 खयाम चौक वाला भी कल बंद कर दिया जाएगा। जुनूबी पंजाब के लिए निगरान वज़ीर आला का बड़ा तोहफा। दरबार शाह शम्स मुल्तान की अपग्रेडेशन अख्ताम में मराहिल में दाखिल। तज़ीन व आराइश का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम। शहरी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मशगूल। CPO मुल्तान सादिक अली का लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा। तामीराती और तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा। CTO जलील इमरान की CPO को ब्रीफिंग। सादिक अली ने इजहार इत्मीनान करते हुए हिदायत जारी करी। मुल्तान में पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी। अब तक 1000 से जायद उम्मीदवार फार्म हासिल कर चुके। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फार्म जमा कराने का अमल 17 फरवरी तक जारी रहेगा। नशे के आदि अफराद को माहाना काउंसलिंग फ्राहम की जाएगी। मंशियात के मनफी असरात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। माहिरीन नफ्सियात नशा के आदि अफराद को खुसूसी लेक्चर्स देंगे। गंदम की फसल में सिट्टे बनने का अमल जारी। रवामा फसल में पानी की कमी न होने दी जाए। सिट्टे बनने के दौरान जड़ी बूटियों का तदारुक भी लाजमी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक पानी की कमी से दाने की बढ़ोतरी नहीं होती। खुशाब के कौमी हल्का NA 88 का रिजल्ट रोक दिया गया। 15 फरवरी को 33 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म। 33 पोलिंग स्टेशन पर कुल वोटर की तादाद 33,832 है। 8 फरवरी को सैकड़ों अफराद की जानिब CRO ऑफिस पर धावा बोलने के बाद पोलिंग बंद कर दी गई थी। इंतखाबात के नतायज मुकम्मल। मुल्तान से बड़े सियासी नाम अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम। साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ असम्बली ना पहुंच पाए। साबिक विफाकी वजीर जावेद अली शाह भी कौमी असम्बली के मेंबर ना बन सके। अब्दुल गफ्फार डोगर, जावेद अख्तर अंसारी, राना महमूद उल हसन भी शिकस्त से दो चार। भकर में इलेक्शन के बाद सियासी डेरों पर रौनकें। ढोल की थाप पर कारकुनों के भंगड़े। मिठाई तकसीम। वोटर्स, सपोर्टर्स और कारकुन फूलों की पत्तियां निशावर करने लगे। उम्मीदवार कामयाबी पर आवाम के मशकूर। बहावलपुर में डाकू बेलगाम। मजामत पर 60 साल खातून कत्ल। खैरपुर टामेवाली और चनेगोट में वारदातें। डाकू घरों में घुसकर लूटमार करने लगे। शहर नकदी और कीमती सामान से महरूम। शहर आलिया में सस्ता बाजार भी महंगाई की जद में। दुकानदार और सार्फिन परेशान। बाजार भी हो गया वीरान। सार्फिन का कहना है आम मार्केट और सस्ते बाजार के नर्खों में कोई फर्क नहीं। दुकानदारों का कहना है माल महंगा मिलता है, कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। रेलवे फाटक बंद। सरगोदा के शहरी अजियत से दो चार। म्यूनसिपल कारपोरेशन ने जिम्मा रेलवे के करोड़ों रुपए वाजिब अदा। अदम अदायगी की वजह से फाटक बंद कर दिए गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक फाटक नंबर 76 खयाम चौक वाला भी कल बंद कर दिया जाएगा। जुनूबी पंजाब के लिए निगरान वज़ीर-ए-आला का बड़ा तोहफा। दरबार शाह शम्स मुल्तान की अपग्रेडेशन अख्तामी मराहिल में दाखिल। तज़ीन व आराइश का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम। शहरी निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के मशगूल। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा। तामीराती और तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा। सीटीओ जलील इमरान की सीपीओ को ब्रीफिंग। सादिक अली ने इजहार इत्मीनान करते हुए हिदायत जारी करी। मुल्तान में पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी। अब तक 1000 से जायद उम्मीदवार फार्म हासिल कर चुके। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फार्म जमा कराने का अमल 17 फरवरी तक जारी रहेगा। नशे के आदि अफराद को माहाना काउंसलिंग फ्राहम की जाएगी। मंशियात के मनफी असरात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। माहिरीन नफ्सियात नशा के आदि अफराद को खुसूसी लेक्चर्स देंगे। गंदम की फसल में सिट्टे बनने का अमल जारी। रवामा फसल में पानी की कमी ना होने दी जाए। सिट्टे बनने के दौरान जड़ी बूटियों का तदारुक भी लाजमी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक पानी की कमी से दाने की बढ़ोतरी नहीं होती। मुल्तान में नवी 3 रोजा ब्लू फेयर का आगाज। कढ़ाई वाले मलबूसात, ज्वेलरी, खुस्से और दीगर सजावटी अशिया ने मेले को 4 चांद लगा दिए। पहले रोज दस्तकार और कारोबारी खवातीन की शिरकत। ब्लू फेयर का मकसद मुहर्रम भर खवातीन को अपने तैयार करदा मसनूआत फरोख्त करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। छुट्टी के रोज मुल्तान के शहरी धूप से लुत्फानंदोज। शहरियों ने किला कोहना, कासिम बाग, दमदमा आर्ट गैलरी का रुख कर लिया। खेल के मैदान में आबाद मैचेस जारी। बच्चे पार्क में झूले लेने में मसरूफ। खानेवाल की तफरीगाहों में भी आवाम का रश।